नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जीएस लाइव चैनल पर और मैं हूं नितेश ठाकुर। दोस्तों, आज हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 28 मार्च को मेरे द्वारा टेलीग्राम पर जो क्वेश्चंस किए गए थे उनके आंसर पर। दोस्तों, इसके पहले कि क्वेश्चन के आंसर्स पर हम बात करें, यदि आप लोग मेरा चैनल कंटिन्यू देख रहे हैं और अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को शेयर भी कीजिए ताकि हमारे व्यूज ज्यादा से ज्यादा बढ़ते जाए और सब्सक्राइबरों की संख्या भी कंटिन्यू बढ़ती जाए। आइए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन जो है ये हमारा अफीम से रिलेटेड है, ठीक है। सबसे पहले अफीम को ही समझ लेते हैं। अफीम, अफीम की यदि बात की जाए तो अफीम का वैज्ञानिक नाम होता है क्या? अफीम का वैज्ञानिक नाम होता है लैक्रिमा पेपेवर, ठीक। अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? लैक्रिमा पेपेवर। अफीम को लैक्रिमा पेपेवर भी कहते हैं। अफीम को अफीम के पौधे से प्राप्त किया जाता है, अफीम के पौधे में आने वाले अपक्व फल से प्राप्त किया जाता है। और जो अफीम का पौधा होता है इसको हम पोस्ता या डोंडा भी कहते हैं। एक डोंडीदार पौधा होता है, सीधा डंडा जो है इस पौधे में होता है, तो इसको हम पोस्ता या डोंडा भी कहते हैं। अफीम मुख्य रूप से शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल है, यानी इसको अधिक ठंड और कम तापमान की आवश्यकता पड़ती है, तो ये मुख्य रूप से शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल है। भारत में हम अफीम का उत्पादन शीत ऋतु में कर सकते हैं और शीत ऋतु में ही भारत में अफीम का उत्पादन किया जाता है, यानी अफीम जो है यह रबी की फसल है। अफीम किस मौसम की फसल है? रबी। जब भारत में गेहूं बोया जाता है तो उसी समय अफीम की भी खेती की जाती है। भारत में अफीम की खेती मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के मंदसौर में, नीमच में, इसके अलावा राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अफीम की खेती की जाती है। कब? रबी के मौसम। और अगर पूछा जाए किस मौसम की फसल है अफीम, तो रबी की। और कैसी जलवायु चाहिए? समशीतोष्ण कटिबंधीय या शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता पड़ती है अफीम को। लेकिन भारत में कैसी जलवायु पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। फिर भी ठंड के मौसम में हम भारत में अफीम का उत्पादन करते हैं। अफीम का वैज्ञानिक नाम लैक्रिमा पेपेवर है, लेकिन अफीम का जो पौधा जिसे हम डोंडा भी कहते हैं, तो अफीम के पौधे का वैज्ञानिक नाम है पेपेवर सोमनीफेरा। पेपेवर सोमनीफेरा, ठीक। अफीम के पौधे का वैज्ञानिक नाम यदि पूछा जाए तो पेपेवर सोमनीफेरा अफीम के पौधे का वैज्ञानिक नाम। अफीम को पेपेवर सोमनीफेरम के लेटेक्स, पेपेवर सोमनीफेरम के लेटेक्स यानी कि दूध से प्राप्त किया जाता है। अफीम को अफीम के पौधे पेपेवर सोमनीफेरम के लेटेक्स यानी कि दूध से प्राप्त किया जाता है। अफीम के पौधे को मैंने आपको कहा डोंडा भी कहते हैं, क्यों कहते हैं? ये एक सीधी, एक तरह से ऐसी सीधी जो है खड़ी डंडी, इस तरह का अफीम का पौधा होता है। और इस खड़ी डंडी पर पहले फूल आता है और ये फूल कुछ समय में फलों में तब्दील हो जाता है। इस तरह से फूल आता है और ये फूल जो है कुछ समय में कहां में तब्दील हो जाता है? फलों में तब्दील हो जाता है। और जब ये फल अपक्व अवस्था में होता है, यानी फल के पकने के पहले, जब ये फल अपक्व अवस्था में होता है तब इस फल में 3-4 जगह ब्लेड या चाकू से इस तरह से चीरा लगा दिया जाता है। और जैसे ही हम इस फल पर चीरा लगाते हैं तो इसके भीतर से एक सफेद द्रव, जिसको हम लेटेक्स कहते हैं, क्या कहा जाता है? लेटेक्स। एक सफेद द्रव या दूध बाहर निकल कर आता है। ये दूध काफी गाढ़ा होता है और गाढ़े होने की वजह से ये दूध जो है अफीम के फलों पर ही जमा हो जाता है। ये दूध अफीम के फलों पर ही क्या है? जमा हो जाता है। और इस दूध को बाद में खरच कर किसी पात्र में प्राप्त कर लिया जाता है। और ये खर्चा हुआ जो पदार्थ है या जो दूध है, इसी को हम अफीम कहते हैं। यही दूध क्या कहलाता है? अफीम कहलाता है। तो बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन बनता है कि अफीम, अफीम के
पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो अफीम जो है, अफीम के पौधे के अपक्व फलों से प्राप्त किया जाता है। अपक्व फलों पर तीन या चार जगह चीरा लगाया जाता है। चीरा लगाने के परिणाम स्वरूप फल के भीतर का दूध फल के ऊपर आकर जमा हो जाता है और इस जमा दूध को किसी द्रव में खरच कर प्राप्त कर लिया जाता है और यही जो द्रव है ये क्या कहलाता है? अफीम कहलाता है। ये द्रव सूख कर क्या बन जाता है? अफीम बन जाता है। तो इस तरह से अफीम को पेपेवर सोमनीफेरम के लेटेक्स से हम प्राप्त करते हैं। पेपेवर सोमनीफेरम के पौधे से अफीम प्राप्त हो जाने के बाद इसका जो फल है इसको कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है इस डोंडी के साथ, यानी कि पेपेवर सोमनीफेरम के पौधे को इसी तरह से छोड़ दिया जाता है। अफीम का जो पौधा होता है पेपेवर सोमनीफेरम, इससे दूध प्राप्त करने के बाद अफीम का के पौधे का जो बचा हुआ रॉ भाग है, इस बचे हुए रॉ भाग को हम कहते हैं पोस्ता स्ट्रा। इस बचे हुए रॉ भाग को क्या कहा जाता है? पोस्ता स्ट्रा कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है, कि पोस्ता स्ट्रा क्या होता है। तो अफीम के फल से या अफीम के पौधे से अफीम प्राप्त कर लेने के बाद बचा हुआ जो रॉ है उसको हम पोस्ता स्ट्रॉ कहते हैं। जो पोस्ता स्ट्रॉ है इसमें लगभग लगभग 12 से 22 प्रतिशत तक मॉर्फीन होता है। 12 से कितना? 22 प्रतिशत तक पोस्ता स्ट्रॉ में क्या होता है? मॉर्फीन। और जब इस मॉर्फीन को प्रसंस्कृत किया जाता है तो इससे प्राप्त होता है हेरोइन। क्या प्राप्त कर लिया जाता है? हेरोइन नामक मादक जो पदार्थ है वो मॉर्फीन से बनता है। और मॉर्फीन जो है मॉर्फीन पोस्ता स्ट्रॉ से प्राप्त होता है। पोस्ता स्ट्रॉ अफीम के पौधे का रॉ मटेरियल है जो अफीम के पौधे से अफीम निकालने के बाद बचता है, ठीक है। तो अफीम के पौधे से अफीम के पौधे के अपक्व फल से अफीम निकालने के बाद बचा हुआ जो रॉ मटेरियल है पोस्ता स्ट्रॉ, उसमें लगभग लगभग कितना? 12 से 22 प्रतिशत तक का मॉर्फीन पाया जाता है। और इस मॉर्फीन को प्रसंस्करण करके काय का निर्माण किया जाता है? हेरोइन का निर्माण किया जाता है। ये भी एक मादक द्रव है हेरोइन, ठीक। तो यहां तक आपको अफीम समझ में आया। अफीम जो है इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है? अफीम का प्रयोग मुख्य रूप से दवाओं के निर्माण में किया जाता है। किस तरह की दवाएं? तो जब आप अफीम का सेवन करते हैं तो अफीम आपकी उन कोशिकाओं को निष्क्रिय कर देता है जो मस्तिष्क तक सिग्नल लेकर जाती है। और इस तरह से आपके मस्तिष्क तक यदि आपको कहीं पर दर्द है तो वो सिग्नल पहुंच नहीं पाता है ना। और इस वजह से अफीम का प्रयोग कहां पर किया जाता है? दर्द निवारक औषधियों के या दवाओं के निर्माण में अफीम का प्रयोग किया जाता है। दर्द निवारक औषधि जैसे ट्रेमेडॉल। इसके अलावा अफीम का जो प्रयोग है ये वात नाशक के रूप में भी किया जाता है। अफीम खाने में काफी गर्म होती है और इसीलिए इसका प्रयोग वात नाशक के रूप में भी किया जाता है। कफ सिरप जैसे कोडीन, कोडीन एक कफ सिरप है, तो कोडीन या कफ सिरप के निर्माण में भी अफीम का प्रयोग किया जाता है। तो मुख्य रूप से अफीम का प्रयोग कहां पर किया जाता है? औषधियों के निर्माण में किया जाता है। और ये एक मादक पदार्थ तो है ही अफीम, ठीक है। तो कई तरह की औषधियां जो है अफीम से बनती है। और अफीम सबसे ज्यादा शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क को। यहां तक सूचनाएं जो है वो संप्रेषित ही नहीं होने देता, तो अफीम सबसे ज्यादा हमारे शरीर के मस्तिष्क को प्रभावित करता है ना। मेन किस चीज को प्रभावित कर रहा है? अफीम मस्तिष्क को प्रभावित करता है। तो ये हो गया क्या अफीम और अफीम के पौधे के बारे में। और यहां पर हमने मॉर्फीन के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर ली। और मॉर्फीन को प्रसंस्कृत करके क्या बनाया जाता है? हेरोइन का निर्माण किया जाता है। अब अफीम तो दवाओं के निर्माण में प्रयोग होता है, लेकिन अफीम की आड़ में कई सारे नशीले पदार्थ भी दवाओं के निर्माण में उपयोग में लाए जाते हैं जो कि अवैध है। यानी भारत सरकार ने इन पदार्थों को दवाओं के निर्माण के लिए प्रतिबंधित कर रखा है। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। भारत सरकार ने नशीली दवाओं के निर्माण से संबंधित पदार्थों और इनके दुरुपयोग को रोकने के लिए एक एक्ट पारित किया 1985 में। इस एक्ट को क्या कहा जाता है? तो इस एक्ट को कहा जाता है
नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट। ठीक है, नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट ये कब बनाए? ये बनाए गए 1985। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था ऐसी दवाइयां जिनके निर्माण में नशीले पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, तो उनका निर्माण कुछ निश्चित पदार्थों का उपयोग करके ही बनाया जाए, जैसे अफीम, क्योंकि इनमें रासायनिक रूप से जो दूसरे पदार्थ उपयोग में लाए जाते हैं, है ना। हालांकि दवाओं का निर्माण तो इन पदार्थों से भी होता है, पर ये पदार्थ शरीर के लिए क्या होते हैं? नुकसानदायक होते हैं, और इन पदार्थों को हम कहते हैं साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, यानी साइकोट्रॉपिक पदार्थ कहते हैं। और साइकोट्रॉपिक पदार्थ वे पदार्थ है जो नशीली दवाओं के निर्माण में अवैध रूप से उपयोग में लाए जाते हैं। कैसे उपयोग में लाए जाते हैं? अवैध रूप से उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, तो नशीली दवाओं के निर्माण में प्रयुक्त मादक पदार्थ और अवैध मादक पदार्थ, इनके संदर्भ में कानून बनाने और समय समय पर इन कानूनों को संशोधित करने के लिए भारत सरकार ने नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 में पारित किया, और इसी एक्ट के पारित किए जाने के बाद भारत सरकार ने NCB यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का भी गठन किया। क्वेश्चन बनता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन कब किया गया? तो इसका गठन किया गया 17 मार्च 1986। इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली। और NCB किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? अक्सर क्वेश्चन बनता है किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो ये गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधीन NCB जो है ये काम करता है। ठीक है, तो NCB गठन 17 मार्च 1986 को किया गया। उद्देश्य था दवाओं के निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले मादक पदार्थों और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस के संदर्भ में कानून का निर्माण करना, और इन कानूनों को समय समय पर संशोधित करने के लिए भारत सरकार ने नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 में लाया, और इसी एक्ट के तहत NCB यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किया गया। आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है, आपको बताना है कि NCB के वर्तमान डायरेक्टर जनरल कौन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जाकर देना है। यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये अफीम से रिलेटेड था, अब इसका आंसर आपको बन जाएगा। पहला ऑप्शन है अफीम के पौधे का वैज्ञानिक नाम पेपेवर सोमनीफेरम, तो ये सही है, हमें असत्य छांटना है। ठीक है, तो ये सही कथन है। दूसरा है अफीम को अफीम के पौधे से के अपक्व फल में चीरा लगाकर प्राप्त होने वाले दूध यानी कि लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है, तो ये भी सही, मैंने बताया ना अफीम को अफीम के पौधे के अपक्व फल पर चीरा लगाकर निकलने वाले दूध से प्राप्त किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अफीम में 40% तक मार्फिन पाई जाती है जिसे प्रसंस्कृत करके हेरोइन नामक मादक द्रव्य तैयार किया जाता है। मार्फिन से हेरोइन तो तैयार किया जाता है, लेकिन अफीम का जो रॉ मटेरियल होता है जिसको हम पोस्ता स्ट्रॉ कहते हैं, उससे मार्फिन 40% तक नहीं मिलता है। कितना मिलता है? 12 से 22% तक ही मिलता है, तो जो ऑप्शन सी है ये हमारा गलत है। और चौथा ऑप्शन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसका गठन कब किया गया? इसका गठन 1986 में 17 मार्च 1986 को किया गया, ये भी सही है। अच्छा, पोस्ता स्ट्रॉ या जो बचा हुआ फल है इसको कुछ समय के लिए, बचा हुआ जो फल है रॉ मटेरियल, इसको कुछ समय के लिए पकने के लिए पौधे पर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, तो इससे एक तो मार्फिन प्राप्त होता है, और मार्फिन के अतिरिक्त इस पौधे के भीतर से छोटे छोटे दाने भी प्राप्त होते हैं। ये जो छोटे छोटे दाने हैं ना, ये कहलाता है खसखस। क्या कहलाता है? खसखस, जिसको हम खाद्य पदार्थों में भरपूर मात्रा में उपयोग में लाते हैं। साथ ही साथ खसखस का जो प्रयोग है औषधीय निर्माण में भी किया जाता है। बच्चों को मुख्य रूप से खसखस दिया जाता है उनकी बंद नाड़ियों को खोलने के लिए। क्या काय का प्रयोग किया जाता है? खसखस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप ये भी याद रखेंगे खसखस जो है ये मार्फी, ये जो है अफीम का जो पौधा है उसके फल के भीतर छोटे छोटे बीज, इनको हम क्या कहते हैं? खसखस कहते हैं। भारत में इन बीजों का रंग सफेद होता है, और अलग अलग देशों में
इन बीजों का रंग यानी खसखस का रंग क्या होता है? अलग अलग। सब्जियों में ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए खसखस का भरपूर उपयोग किया जाता है। ठीक, आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से संबंधित नहीं है? आपको यहाँ पर अभिलेख दिए गए और आपको बताना है कि कौन सा अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से संबंधित नहीं है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य गुप्त राजवंश के शासक थे, ठीक है, और इन्होंने गुप्त सत्ता को लगभग 380 से 412 ईस्वी तक संभाले रखा। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि इन्होंने गुप्त सत्ता को 375 से 415 ईस्वी तक संभाले रखा। गुप्त राजवंश के शासक रहे कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के विषय में यहां पर कुछ संबोधन यहां पर इनके देख लेते हैं। इनको शकारी, गडारी, क्या क्या कहा जाता है? शकारी कहा जाता है, गडारी भी कहा जाता है, देवराज, देवगुप्त, ठीक है, ये सब किसके नाम है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम है। यहां तक कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का जो मथुरा से प्राप्त अभिलेख है उसमें चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को परम भट्टारक, क्या कहा गया? परम भट्टारक कहा गया है। मध्य प्रदेश से कैसे संबंधित है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की जो पुत्री है प्रभावती, इनका विवाह वाकटक नरेश रुद्रसेन से हुआ था, और वाकटक नरेश रुद्रसेन की मृत्यु के बाद जो वाकटक साम्राज्य है उसको चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था, और वाकटक साम्राज्य का जो हिस्सा है ये मध्य प्रदेश में भी था, और वाकटक साम्राज्य को सही ढंग से प्रशासित संचालित करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने मध्य प्रदेश की उज्जैनी जो है इसको अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। वैसे तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, आज का पटना, जो कि बिहार में है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की राजधानी थी, लेकिन इनकी द्वितीय राजधानी के विषय में अगर क्वेश्चन बनता है तो इनकी दूसरी राजधानी मध्य प्रदेश की उज्जैनी जो है इसको इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। उद्देश्य था शक साम्राज्य को पूर्णतः समाप्त करना और भारत से शकों का पूर्णतः उन्मूलन चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के द्वारा ही किया गया, और इसी वजह से इन्हें शकारी भी कहा जाता है। और शकों का उन्मूलन करने के लिए इन्हें जिस स्थिति की जरूरत थी वो स्थिति कहां पर प्राप्त हुई? इनको मध्य प्रदेश में, इसलिए इन्होंने उज्जैनी को अपनी दूसरी राजधानी भी बनाया। और साथ ही साथ प्रभावती, जब ये विधवा हुई तो इनके विधवा होने के बाद जो वाकटक साम्राज्य है ये भी कहां में मिला लिया गया? गुप्त साम्राज्य में। और वाकटक साम्राज्य का प्रशासन सही तरीके से संचालित हो सके इसलिए भी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो है इन्होंने उज्जैनी को अपनी द्वितीय राजधानी के रूप में स्थापित किया था। बात की जा रही है इनसे प्राप्त होने वाले अभिलेख की, तो मध्य प्रदेश में कुछ अभिलेख प्राप्त हुए हैं जो गुप्त राजवंश से या गुप्त सत्ता से संबंधित है। ये कौन कौन से अभिलेख हैं और कहां कहां से प्राप्त हुए हैं, इन अभिलेखों की हम बात कर रहे हैं। ठीक, ये हमारा मध्य प्रदेश, ठीक, मध्य प्रदेश में यहां पर स्थित है उज्जैन, जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी के रूप में प्रतिस्थापित किया था, अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी। ठीक है, यहां पर कौन सा अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से संबंधित नहीं है कहा जा रहा है? पहला, वीरसेन साहब का उदयगिरी गुफा अभिलेख, उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश में कहां पर है? विदिशा में, है ना, उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के विदिशा में। यहां पर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के संधि विग्रही यानी युद्ध और शांति के अधिकारी वीरसेन साहब का अभिलेख मिला है। कहां पर मिला है? उदयगिरी में। और इस अभिलेख से ही हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य उज्जैन आए, यहां पर कुछ समय तक रुके। किस अभिलेख से पता चलता है? वीरसेन साहब के उदयगिरी गुफा अभिलेख से। ठीक है, तो वीरसेन साहब का उदयगिरी गुफा अभिलेख ये संबंधित है किससे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से संबंधित है। इस अभिलेख से मिली जानकारी के अनुसार चंद्रगुप्त मध्य प्रदेश आए और मध्य प्रदेश में काफी लंबे समय तक वीरसेन साहब के साथ यहां पर ठहरे थे। ठीक, तो वीरसेन साहब का अभिलेख जो है, उदयगिरी का गुफा अभिलेख, ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से संबंधित है। इस अभिलेख में तिथि नहीं मिलती, ये तिथि विहीन अभिलेख है। और इस अभिलेख को भगवान शंकर जो है ना, भगवान शंकर की प्रतिमा के साथ उत्कीर्ण करवाया गया,
तो ये मानकर चला जाता है कि वीरसेन साहब जो है वो शैव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म। जितने भी गुप्त शासक हैं सभी किस धर्म को मानने वाले थे? वैष्णव धर्म। उदयगिरी से ही चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से संबंधित एक और अभिलेख प्राप्त हुआ है, और यह अभिलेख है सनकानिक महाराज का अभिलेख। सनकानिक महाराज का जो अभिलेख है यह भी उदयगिरी की गुफाओं से ही प्राप्त हुआ है, और सनकानिक महाराज चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के सामंत थे। सनकानिक महाराज का जो अभिलेख है ये तिथि युक्त है, जैसे वीरसेन साहब का जो अभिलेख है उसमें तिथि अंकित नहीं है, उसमें तिथि नहीं लिखी है, लेकिन सनकानिक महाराज का जो अभिलेख है इसमें तिथि लिखी हुई है, और इसके अनुसार लगभग 401 ईस्वी में, समय क्या हो गया 401 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो है वो मध्य प्रदेश आए होंगे, क्योंकि इस अभिलेख में जो तिथि उत्कीर्ण है वो क्या है? 401 ईस्वी। ठीक है, तो एक वीरसेन साहब का अभिलेख है जिसमें तिथि नहीं है, तिथि विहीन है, और दूसरा सनकानिक महाराज का अभिलेख जो कि तिथि युक्त है, और इससे पता चलता है कि लगभग 401 ईस्वी के आसपास जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य है ये मध्य प्रदेश आए होंगे। ठीक है, तो ये दूसरा अभिलेख भी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से संबंधित है। एक और अभिलेख की बात करते हैं, सांची अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? सांची। और सांची अभिलेख आपको कहां से प्राप्त होगा? सांची जिला रायसेन। तो सांची मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है, और यहीं से सांची अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसको चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के सेनापति, जैसे कि इसमें नाम दिया है, क्या नाम था उनका? आम्रकारदेव। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के सेनापति आम्रकारदेव जो है उन्होंने उत्कीर्ण करवाया, और इस अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने सांची में जो बौद्ध विहार है तो यहाँ के जो भिक्षु हैं इनको दान दिया था। तो सांची के अभिलेख से चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के द्वारा सांची के बौद्ध धर्म के अनुयायियों को दान दिए जाने का उल्लेख जो है इस अभिलेख में मिलता है, और सांची का जो अभिलेख है किसके द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया? आम्रकारदेव के द्वारा ये उत्कीर्ण करवाया गया। जबकि उदयगिरी में दो अभिलेख मिले हैं, एक अभिलेख वीरसेन साहब का है और दूसरा अभिलेख किसका है? दूसरा अभिलेख है यहां पर किसका? सनकानिक महाराज का। आम्रकारदेव के अभिलेख से पता चलता है कि वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि वीरसेन साहब के अभिलेख से पता चलता है कि वे शैव धर्म के अनुयायी थे, और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य खुद किस धर्म का मानने वाला था? वैष्णव। तो इससे ये साबित हो जाता है, किताबें ये लिखती हैं कि चूंकि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य वैष्णव धर्म का अनुयायी था और उसके इतने बड़े पदाधिकारी अलग अलग धर्मों को मानने वाले थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य निश्चित रूप से धर्म सहिष्णु शासक रहा होगा। कैसा शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य? सहिष्णु शासक था, धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु शासक था। उसने सभी धर्म को समान माना और सभी धर्म के लोगों को ना सिर्फ अपने साम्राज्य में बल्कि अपने राज्य में जगह जो है वो प्रदान की। तो इसीलिए चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य कैसा शासक था? धर्म सहिष्णु। अब एक अभिलेख इसमें और दिया है, मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख पते हैं आपको कहां से प्राप्त हुआ है? मंदसौर से ही प्राप्त हुआ है, और मंदसौर अभिलेख में उल्लेख है कुमारगुप्त प्रथम का, गुप्त शासक का ही उल्लेख है, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का नहीं है, बल्कि किसका है? कुमारगुप्त प्रथम का। और इससे पता चलता है कि कुमारगुप्त प्रथम ने मंदसौर में जो सूर्य मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पर गुप्त राजवंश से संबंधित चार अभिलेख हमने देखे। एक कौन सा है? मंदसौर अभिलेख, जिसमें कुमारगुप्त द्वितीय का उल्लेख है। उदयगिरी में वीरसेन साहब का अभिलेख, और उदयगिरी की गुफाओं में ही सनकानिक महाराज का अभिलेख। जबकि सांची में कौन सा अभिलेख है? सांची का अभिलेख, जो किसके द्वारा? आम्रकारदेव के द्वारा उत्कीर्ण किया गया, जिसमें बौद्ध अनुयायियों को गुप्त राजवंश के द्वारा दान दक्षिणा दिए जाने का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर ऐरण अभिलेख, ये भी गुप्त राजवंश से संबंधित है। ऐरण अभिलेख भानुगुप्त से संबंधित है, और ये सती प्रथा का पहला प्रमाण है, साथ ही साथ भारत में हूण आक्रमणों का प्रमाण भी किस अभिलेख से मिलता है? ऐरण अभिलेख। तो ये भी भारत में मध्य प्रदेश में गुप्त राजवंश से संबंधित अभिलेख। बात समझ में आ रही है? तो हमारा इसका जो आंसर है सेकंड क्वेश्चन का, ये क्या हो जाएगा? मंदसौर अभिलेख। लगभग 33% लोगों ने इसका आंसर लगाया जो सही है। मंदसौर अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से संबंधित ना होकर जो गुप्त शासक है, क्या नाम हो गया इनका? कुमारगुप्त प्रथम, इनसे संबंधित। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रुद्र प्रताप से बुंदेला संबंधित है। ठीक, बात की जा रही है रुद्र प्रताप से बुंदेला की।
यहाँ पर बुंदेला राजवंश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में बुंदेला राजवंश की राजधानी क्या थी? ओरछा। ओरछा जो है ये मध्य प्रदेश में बुंदेला राजवंश की राजधानी थी। लेकिन बुंदेला राजवंश की नींव कब और किसके द्वारा रखी गई? तो बुंदेला राजवंश की नींव जो है ये मुख्य रूप से सोहन पाल बुंदेला, किसके द्वारा रखी गई? सोहन पाल बुंदेला के द्वारा रखी गई। बुंदेल राजवंश की जो नींव है ये सोहन पाल बुंदेला के द्वारा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में रखी गई थी, और सोहन पाल बुंदेला ने अपनी आरंभिक राजधानी बनाई थी मऊ मोहानी को। क्या थी आरंभिक राजधानी? मऊ मोहानी। लेकिन बाद में लगभग लगभग 1501 ईस्वी में, या हम यूं कहें कि 16वीं शताब्दी के आरंभिक दशक में, 16वीं शताब्दी के आरंभिक दशक में जो ओरछा राजवंश है इसकी नींव मध्य प्रदेश में रखी गई। ओरछा के बुंदेला राजवंश की नींव मध्य प्रदेश में रखी गई, और ये किसके द्वारा रखी गई? रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला, है ना? किसके द्वारा रखी गई? रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला। यदि आपसे पूछा जाए कि ओरछा के बुंदेला राजवंश की नींव किसके द्वारा रखी गई, तो रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला। लगभग कब रखी गई? 1501 ईस्वी में रखी गई। और इसी राजवंश के शासक वीर सिंह बुंदेला ने ओरछा के प्रसिद्ध किले का निर्माण करवाया, जो किस नदी के तट पर स्थित है? बेतवा नदी के तट पर स्थित है। तो बेसिकली बुंदेला राजवंश की नींव तो सोहन पाल बुंदेला ने कहां पर रखी थी? उत्तर प्रदेश में। और आरंभिक राजधानी क्या थी? मऊ मोहानी। लेकिन बाद में बुंदेला राजवंश जो है इसकी नींव ओरछा में भी रखी गई, और ओरछा में बुंदेला राजवंश की स्थापना का श्रेय जाता है रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला। तो यदि क्वेश्चन बनता है मध्य प्रदेश में बुंदेला राजवंश की नींव किसके द्वारा रखी गई? रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला के द्वारा रखी गई। और ओरछा का किला किसने बनाया? तो वीर सिंह बुंदेला ने ओरछा का किला बनवाया। और बाद में इसी राजवंश के बहुत ही प्रसिद्ध शासक हुए राजा छत्रसाल, है ना? ये किस राजवंश के शासक थे? बुंदेला राजवंश के शासक थे। तो इन चीजों को भी आप याद रख सकते हैं। तो रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला संबंधित है, कहां से संबंधित है? ये ओरछा से। लगभग 69% लोगों ने इसका सही आंसर दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकबर के नवरत्नों में शामिल होने के पूर्व तानसेन राजा रामचंद्र देव के दरबारी गायक थे। राजा रामचंद्र देव मध्य प्रदेश के किस राजवंश से संबंधित है? ठीक है, मध्य प्रदेश में जो विंध्य प्रदेश है, ये वाला जो क्षेत्र है विंध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का जो विंध्य प्रदेश का क्षेत्र है, यहां पर बीसल देव और भीमल देव दो भाई राजस्थान से आए थे। क्या क्या नाम था इनका? एक का नाम था बीसल देव और दूसरे का नाम था भीमल देव। तो इन दोनों भाई बीसल देव और भीमल देव, इन दोनों भाइयों के द्वारा मध्य प्रदेश के जो विंध्य क्षेत्र है, ठीक है, मध्य प्रदेश का जो विंध्य क्षेत्र है, यहां पर इन दोनों भाइयों के द्वारा बघेल राजवंश की स्थापना की गई। और आगे चलकर राजा रामचंद्र देव जो है ये बघेल राजवंश के शासक बने। ठीक है, तो राजा रामचंद्र देव मध्य प्रदेश के किस राजवंश से संबंधित है? बघेल राजवंश है। और इसकी नींव किसके द्वारा रखी गई? बीसल देव और भीमल देव। और बघेल राजवंश ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया? तो इन्होंने विंध्य प्रदेश में शासन किया। आपको याद हो कि मध्य प्रदेश में पहला सफेद शेर 1915 में विंध्य प्रदेश से ही खोजा गया था। कहां पर खोजा गया? विंध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में पहला पालतू सफेद शेर, इसका नाम क्या था? मोहन। और इसको बघेल राजवंश के शासक राजा मार्तंड के द्वारा ही पाला गया था। ठीक है, तो राजा मार्तंड भी किस राजवंश के थे? बघेल राजवंश के ही शासक थे राजा मार्तंड। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भोपाल रियासत की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई? तो यहां पर भोपाल रियासत, हालांकि भोपाल रियासत को हम आगे भी कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको पढ़ाऊंगा, यहां पर थी आपकी क्या? भोपाल रियासत। भोपाल रियासत की जो स्थापना है ये लगभग 1773 और 74, 1773 1774 में भोपाल रियासत की स्थापना। चार ऑप्शन यहां पर दिए गए, कुदरसिया बेगम, दोस्त मोहम्मद खान, शाहजहां बेगम, होशंग शाह। ठीक है, तो 1773 1774 ईस्वी में भोपाल रियासत की स्थापना दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा की गई, है ना? यह आंसर क्या आ जाएगा आपका? दोस्त मोहम्मद खान। तो भोपाल रियासत के संस्थापक कौन थे? दोस्त मोहम्मद खान। और दोस्त मोहम्मद खान के बाद उनका बेटा यार मोहम्मद खान
भोपाल रियासत का राजकुमार बना, और इसके बाद भोपाल रियासत में बेगमों का शासन शुरू हुआ, और भोपाल रियासत की पहली महिला शासक बनी कुदरसिया बेगम। ठीक है, इस चीज को मैं आगे आपको और क्वेश्चंस के माध्यम से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो भोपाल रियासत की स्थापना कब की गई, 1773-74 में, और किसके द्वारा की गई, तो भोपाल रियासत की जो स्थापना है ये की गई थी दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा, भोपाल रियासत की स्थापना की गई थी। और भोपाल रियासत को 1 जून 1949 को नवगठित मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। नवाब हमीदुल्लाह खान ये भोपाल के अंतिम शासक थे, और इन्हीं के शासनकाल के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सैनिक कार्रवाई करवाई, और सैनिक कार्रवाई के आधार पर भोपाल रियासत को मध्य प्रदेश में 1 जून 1949 को शामिल किया गया। ठीक, वैसे दोस्त मोहम्मद खान को भोपाल रियासत का जो क्षेत्र है वो रानी कमलावती से प्राप्त हुआ था। रानी कमलावती ने भोपाल रियासत दोस्त मोहम्मद खान को भेंट में दे दी थी। ठीक है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण युद्ध में दोस्त मोहम्मद खान ने रानी कमलावती की मदद की, और इसलिए रानी कमलावती ने भोपाल रियासत दोस्त मोहम्मद खान को भेंट स्वरूप प्रदान की थी। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए, कितनी तारीख के, 28 मार्च के। इसके बाद अगला जो वीडियो होगा ये हमारा होगा 29 मार्च के क्वेश्चंस पर, 29 मार्च या 30 मार्च। ठीक है, तो अगले जो वीडियो होगा हमारा 30 मार्च के क्वेश्चंस पर होगा। तब तक के लिए नमस्कार। यदि चैनल पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको, हमारे वीडियोस को देख पाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हमारे इस चैनल के हो पाएं। ठीक, अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।